हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि प्रस्तावली 14.2 सांख्यिकी में बहुलक देखेंगे और अपना जो एनसीईआरटी आरबीसी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग का प्रस्तावली का छठा प्रश्न है और इस प्रस्तावली का अंतिम सवाल है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से खड़े होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। इस प्रकार से व्यक्त किया और सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको करना क्या, देखिए यहाँ 3 मिनट सिर्फ आपको उलझाने के लिए है, इसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। अपने को जो सारणी में दे रखा है सिर्फ वही देखना है और सबसे पहले हमें बहुलक के लिए कहे या माध्य के लिए कहे या माध्य के लिए कहे, आप सूत्र पहले लिख दीजिए। यहाँ बहुलक का सूत्र में लिख देता हूं, एल प्लस F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें बारंबारता में F0, F1, F2 देखनी है। तो आप सबसे पहले देखिए कि इस बारंबारता में सबसे अधिक क्या है, कौन से नंबर है। तो ये आपका F1, जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट रैंक देते हैं, पहला स्थान देते हैं, हम इसको पहला स्थान दे देते हैं। अब फिर बाद में बढ़ाई आसान है, इसके ऊपर आप 0 लिख दिए और F के 1 के नीचे 2 लिख दीजिए। ये आपका आसानी से F0, F1, F2 आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। उसके बाद आपका L है जो सबसे ज्यादा बारंबारता 20 है, इसकी निम्न सीमा आपकी L हो जाएगी ये वाली। और वर्ग अंतराल H जो है आपका, देखिए यहाँ पर 0 से 10 का अंतर है, H आपका 10 हो जाएगा, L आपका 40 है, यहाँ पे यहाँ से देखिए 40 है। अब हम यहाँ पर देखिए सीधे सूत्र में आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे शो करेंगे और अच्छा रहेगा। एग्जामिनर आपको इस तरह से देखेगा तो आपको ये भाव को अच्छे से समझ आता है तो इसका मतलब अच्छा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और बढ़िया तरीके से आपके नंबर 6 में से 6 देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ L 40 है प्लस, ठीक है, F1 का मतलब 20, ये 20 माइनस F0 12 है, यहाँ पे मैंने 12 लिखे है, 2 × F1 का मतलब 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11 है, ये 11 × 10, ठीक है, ये 40 प्लस आपके पास 20 में से 12 घटाने हैं तो 8 × 10 ले जाएंगे और यहां आपके पास 20 × 40 माइनस ये आपके पास 23, 10 + 20 = 23 रह गए। अब अपने पास ये 40 प्लस ऊपर तो 80 हो गए और नीचे आपके पास 17, ठीक है। अब हम इसमें भाग देते हैं 80 में 17 का, ठीक है, 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे तो ज्यादा हो जाता है, 4 बार जाएगा, सत्तर 64 ये 2 बच गया, फिर आपका यहां पर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे फिर 0 बचेगा, 0 लगा लेंगे दशमलव के लिए और अपने पास भाग देने पर ये 7 बार चला जाता है। आप देखे देख ले, 7 × 7 = 49, 4 × 7 = 11, 119 आ रहे हैं आपका 100। ये अपने पास पर्याप्त है, आगे 40 + 4.7 यानी 44.7 आपका बहुलक हो गया, ठीक है दोस्तों। ये बड़ी आसानी से आप बहुलक याद कर सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से सवाल समझ में आ गया और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।